नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। बांदा में पारा 49 डिग्री के पार पहुंच गया है। दूसरी ओर भीषण गर्मी में बिजली की आवाजाही ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। देखिए रिपोर्ट। देश में अप्रैल के महीने से ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार तीखी धूप का सामना लोग कर रहे हैं। तेज धूप और शुष्क मौसम के बीच हवा लू बनकर लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। राजस्थान के थार मरुस्थल से आ रही गर्म हवाओं ने प्रदेश में गर्मी के साथ साथ उमस को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में कई शहरों में पारा 49 डिग्री के भी पार जा सकता है। मई के महीने में ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान भी हो सकता है। शनिवार को प्रदेश के कई शहरों में तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंचता दिखा, लेकिन सूरज निकलने के साथ ही मौसम में गर्माहट लगातार बढ़ रही है। वहीं लखनऊ का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। उन्नाव में शनिवार को अधिकतम तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। नोएडा और गाजियाबाद में भी गर्मी का कहर लोगों को झेलना पड़ सकता है। तो वहीं नोएडा में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं भीषण गर्मी में बिजली की आवाजाही ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। शहर हो या गांव, दिन हो या रात, अघोषित कटौती का सिलसिला जारी है। प्रदेश में बिजली की मांग 25,000 मेगावाट पार हो गई है। ऐसे में पावर कॉर्पोरेशन की चुनौती और बढ़ गई है। 3,000 से 4,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किए जाने के बावजूद आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर रखना मुश्किल हो रहा है। बिजली के संकट का असर उद्योग धंधों पर भी पड़ता साफ दिख रहा है। फिर भी पावर कॉर्पोरेशन आपूर्ति व्यवस्था सामान्य होने का दावा कर रहा है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोग परेशान हैं और दूसरी ओर लगातार बढ़ रही बिजली की मांग से सरकार की भी चिंता बढ़ रही है। वहीं लोग लू और गर्मी से बचने के लिए जरूरी काम से ही बस बाहर निकल रहे हैं। वहीं लोग लू और गर्मी से बचने के लिए सिर्फ जरूरी काम के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। तो भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, जहां लोग काफी परेशान हो रहे हैं। एक तरफ भीषण गर्मी है जिसकी वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन घर में जो रह रहे लोग हैं वो काफी परेशान हो गए, क्योंकि वहां पे बिजली की कटौती का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिससे उद्योग धंधों पर भी बिजली की कटौती का सीधा असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।